कितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की चाहत की, हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। वो कहते हैं अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया। आज मैं इतना खुश हूँ इतना कि I feel like the king of the world। हमारी जिंदगी में हमारी फिल्मों की तरह दी एंड पे सब अच्छा हो जाता है। अगर कुछ अच्छा ना हो तो समझो पिक्चर अभी बाकी है। मेरे दोस्त आई थी मेरी जिंदगी में, कुछ हलचल मचाती थी, अच्छा शायद वो करती थी मोहब्बत हमसे, न जाने किस टूट पहने से घबराती थी, अच्छा और 8-10 दिन के बाद पता चला किसी और के साथ भाग्यशाली हमको बेवकूफ बना दे। कैश्वर में हमारे आके तू खाले मेरे प्यारे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद हमज़ा अब्बास और आप देख रहे हैं डी डेली स्पोर्ट्स। नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के शाहरुख खान। जी हाँ, इंडिया तो इंडिया, आप भाई पाकिस्तान के पास भी अपना शाहरुख खान है। अब हमें इंडिया के साथ कंपटीशन जो है वो करने की जरूरत नहीं है। हमारे जो शाहरुख खान है वो मेरा ख्याल है कि इंडिया के शाहरुख खान से कुछ 2-3 हाथ आगे ही हो गए। आपको मिलवाते हैं, बता दें इनका असल नाम, अपना असल नाम क्या है? मेरा नाम अली है और असल नाम अली है, लेकिन आप शाहरुख खान के नाम से जाने जाते हैं। इनसे बातचीत करते हैं, शाहरुख खान के जो डायलॉग हैं वो कुछ इनसे सुनेंगे, शाहरुख खान की जो एक्टिंग है उसके कुछ जो सिग्नेचर पोज हैं वो इनसे जनाब हम कहेंगे क्या विस्तार के दिखाएं। शाहरुख अली भाई शाहरुख खान साहब जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम शाहरुख अली, एक्टर है, अच्छा और एक अच्छा पाकिस्तान टेलीविजन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कर रहा हूँ। काफी चैनल्स हैं अभी देखे ना, जैसे कि एयरवे पे होशियारी प्रोग्राम है, अच्छा। फिर उसके बाद सियासी थिएटर बस क्या आपका वो मैंने किया है एक अरसा, फिर हम सब उम्मीद से हैं, फिर उसके बाद मुजाकरात खबरनाक, अच्छा बहुत से प्रोग्राम किए मैंने। इंडिया इंडिया भी गया, अच्छा इंडिया गया फिर वापस आ गया, उन्होंने कहा इंडिया गए, इंडिया गया हूँ फिर वापस आ गया, क्योंकि एक म्यान में 2-3 बारे नहीं रहते, नहीं रहते तो इसीलिए हम फिर वापस आ गए। इंडिया कब गए? बस इंडिया गया था मैं, फिर उसके बाद ना आंख खुल गई मेरी, अच्छा आंख खुल गई, भाई ये गलत हुआ मेरे साथ, सोए रहते तो शायद वहां पर, हां शायद उन्होंने कहा जी एक म्यान में 2-3 बारे नहीं रहते, इसी गुस्से में आंख खुल गई मेरी, तो फिर हम वापस आ गए। और वैसे भी जितने भी लोग आउट ऑफ कंट्री करते हैं, मैं कहता हूँ कि अपनी धरती अपना देश इस जैसी जगह कहीं नहीं होती। अभी आप ये शाहरुख खान वाली बात तो नहीं करने लगे थे, कैसा देश है मेरा? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा देश नहीं है, मेरा देश सच में बहुत अच्छा है और हर माँ को अपना बच्चा प्यारा लगता है, इसी तरीके से ऐसा देश है। मुझे लाइनें कुछ याद नहीं है उस गाने की, भजन ज्यादा की बात ना करें, 16-17 साल नहीं है, 25 साल है, सीधी सीधी ज्यादा और तुमसे बचने का है। तो बाकी है कि देश पर जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मेरी कंट्री बहुत खूबसूरत है और मेरी कंट्री के लोग बहुत खूबसूरत हैं और मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, लेकिन दुख ये हुआ कि ऐसे लोगों में पैदा हुआ जिनको आर्टिस्ट की कदर नहीं है, जिनको कदर नहीं है, पता ही नहीं कि उनके दरमियान शाहरुख खान खड़ा है। अभी आप देखे ना कि जितना अच्छा मैं आर्टिस्ट हूँ सिर्फ उन्होंने मुझे शाहरुख खान ही लिया, अच्छा कभी कोशिश ही नहीं की कि यार ये बंदा कुछ और भी कर सकता है, एक्टर है टेलीविजन, देखे नकल के लिए अकल की जरूरत होती है और ये अकल अल्लाह किसी किसी को देता है और इस अकल को इस्तेमाल ही नहीं किया उन्होंने नकल के अलावा, तो आज मैं देखे ना बर्गर शॉप में भेज रहा हूँ। अच्छा, इसी वजह से नौबत आई, नहीं किया गया मुझे, निकाला नहीं, आप कदर नहीं की, बिल्कुल ऐसी नायाब मिला हमने खो दिया। हाँ खो दिया, लेकिन कोई पता नहीं है अभी भी किसी के अंदर मुसलमानियत जिंदा हो और वो कह के नहीं यार हम किसी लालच के बगैर शाहरुख खाओ आपको काम करवाते हैं, आपका ये काम है, आप एक एक्टर हो, अच्छा। मैं बना ही एक्टिंग करने के लिए हूँ, पैदा ही एक्टिंग करने के लिए हुआ था, अच्छा। क्योंकि जो एक्टर होता है वो बनता नहीं है, वो माँ के पेट से ही आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे सुपरस्टार हुए हैं मुझे ये बताएं कि वो आके सीखे नहीं, वो माँ के पेट से ही बन के आए हैं। लेकिन एक डायरेक्टर होता है और एक प्रोड्यूसर होता है, ये दो शख्सियत ऐसी होती हैं कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये माँ बाप की तरह होते हैं, अगर ये बच्चे को अच्छा परवरिश करते हैं तो बच्चा बड़ा होता है, ऐसे ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अगर अपने एक्टर्स को प्रॉपर तरीके से कहीं लेके आते हैं तो वो बर्गर शोर में नहीं लगाता। अब ये देखें कि हमारे पाकिस्तान इंडस्ट्री का, हमारे पास टेलीविजन का ये हाल है कि यहाँ पर जो टैलेंट है वो यहाँ पर रुल रहा है, बर्गर शोर में बेचने की नौबत पे है, इस गटकार पे। पहली बार कब फील हुआ था मैं शाहरुख खान?
जब ये राज कब खुला? ये जब शाहरुख खान आया जब उनकी फर्स्ट मूवी आई तो मुझे लोगों ने शाहरुख खान कहना शुरू किया। अच्छा। तो मजबूरन मुझे वीसीआर बिल्कुल देना पड़ा। अच्छा। नहीं तो वरना मैं वीसीआर टेलीविजन से थोड़ा दूर था। अच्छा। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम फिल्मों के शुदाई है। अच्छा, वो शाहरुख खान साहब का बड़ा सिग्नेचर डायलॉग है सिमरन वाला। हाँ, नहीं वो कहते किरण, किरण वाला गलत। यही यही आप बोलने लगे थे। हाँ, वो कहते हैं कि तुमसे मेरी हो किरण। नहीं नहीं नहीं, मेरी नहीं, अब तो साली छह बच्चों की माँ बन गई है यार। अब कहाँ मेरी रहेगी किरण के बारे में थोड़ा सा बोल। किरण कोई चाहत का नाम नहीं है, लोग डरेंगे, नफरत करेंगे मोहब्बत के नाम से। अच्छा, I hate you किरण। अच्छा, शाहरुख खान वाली एक ना वो विलन स्माइल ये। अच्छा भैया, कैसी बात है, ये काम करने के पैसे लेता था मैं, यहाँ फोकड़ में एक्टिंग दिखा रहा हूँ मैं। अब ये दो लोग आए हमारे पास, हमारे बड़े प्यारे से एंकर हैं, अल्लाह इनको इज्जत दे, अगर मीडिया नहीं है तो सच में एक्टर्स भी नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि सोशल एप्लीकेशंस पर ये जो चैनल्स बना लिए हैं लोगों ने, और इस पे उन लोगों को जाकर पूछ रहे हैं जिन लोगों को घर वाले नहीं पूछते। सच्ची कह रहा हूँ मैं, आप लोग अब अपनी आवाज़ पहुँचानी मुश्किल ही नहीं, बहुत आसान है कि आप सोशल अपना एक बनाएं और उस पर अपनी आवाज़ पहुँचाएं। लेकिन यार ये मेरे पास आए हैं, मैं इनको प्रीमियम एक्टिंग करके दिखा रहा हूँ, लेकिन पैसे आप लोगों ने इनको कमाने हैं। इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, वो समझ लो कि वो पैसे मुझे आएंगे और ये अभी मुझे कुछ देके जाएंगे। पैसे नहीं देके जाएंगे, इंशाल्लाह। और सच में भाई, हम तो आर्टिस्ट है, हम तो सबको देने के लिए ही बने हैं, स्माइल, हम तो स्माइल देने के लिए बने भाई, और सबके चेहरों पर हंसी भी घेरने वाले लोग हैं। मेरे अब्बा जान कहते थे, क्या कहते थे, कोई धंधा छोटा नहीं और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं। ये तो अम्मा जान नहीं कहते थे? नहीं नहीं, अम्मा जान नहीं, हमारे अब्बा जान कहते थे भाई। अम्मा जान नहीं कहा, उनके अम्मा जान बोलती थी ना, हमारे अब्बा जान बोलते थे, हमारे अब्बा जान बोलते थे। ठीक हो गया। शाहरुख भाई जरा वो सिग्नेचर कोड हो जाए जरा। हाँ क्यों नहीं, कहते हैं कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। कितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की चाहत, हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। क्या बात? वो कहते हैं अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सबने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया, आज मैं इतना खुश हूँ इतना कि आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। हमारी जिंदगी में हमारी फिल्मों की तरह दी एंड पे सब अच्छा हो जाता है। अगर कुछ अच्छा ना हो तो समझो ये पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कोई आपकी लाइफ में सिमरन भी आई है, किरण आई है भाई? एक सिमरन भाई, 3600 सिमरन आई है। अच्छा, कहते हैं वो हंसती थी, हंसाती थी, नजरें भी मिलाती थी। अच्छा, आई थी मेरी जिंदगी में, कुछ हलचल मचाती थी। अच्छा, शायद वो करती थी मोहब्बत हमसे, न जाने किस पुत पहने से घबराती थी। अच्छा, और 8-10 दिन के बाद पता चला किसी और के साथ भाग्य साली हमको बेवकूफ बना देती। शाहरुख खान साहब कभी इंडिया पार से रास्ते की उम्मीद हुई है कि शाहरुख खान साहब रब्ता करेंगे आ रहे हैं? नहीं, उन्हें क्या जरूरत है हमसे रब्ता करने की, वो खुश शाहरुख खान है, हम खुश शाहरुख खान है। वो अपने घर शाहरुख खान, हम अपने घर शाहरुख खान है। लेकिन ये है कि वो सीनियर है, आज अगर मैं जाना जाता हूँ तो शायद अल्लाह ने इसी वजह से मुझे उन जैसा बनाया, फेस वैसा बनाया, तो मैं कहता हूँ कि इसमें भी रब की बेहतरी है। लेकिन हमारे लोगों ने फायदा नहीं उठाया। देखिये, मैं फाइट इंस्ट्रक्टर हूँ, फाइट करनी आती, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, मैंने पाकिस्तान चैंपियनशिप भी जीती है मार्शल आर्ट में, उसके बाद डांस है डायरेक्टर रहा हूँ, एक अर्सा क्लासेस करवाई है, मुझे डांस आता है, मुझे फाइट आती है, मैं एक्टर हूँ, अपने मुँह से खुद में मिठू बनने वाली बात है कि डांस बहुत अच्छा करता हूँ, बोलना बहुत अच्छा हूँ। तो आप लोग इंसाफ करेंगे कि बताएं जरा, इनको पाकिस्तान टेलीविजन वालों को या फिल्म वालों को चाहिए कि नहीं है? भाई मैं तो वोट आपके हाथ में देता हूं। और जितने भी गाइस ये व्यूअर्स ये लोग देख रहे हैं वीडियो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार कि आपका एक कॉमेंट्स मुझे कहाँ का कहाँ ले जाएगा, दिल से कीजिएगा। Love you. शाहरुख खान साहब कोई और पैगाम देना चाहिए? बस यही पैगाम है भाई कि अपने मुल्क का ख्याल रखो, अपने लोगों से सिंसियर हो जाओ, छोड़ दो दूसरे लोगों के पीछे चलना, दूसरे का मुंह लाल देख के अपना चपेड़े मार के करना। भाई ये सोचो कि हम क्या हैं, क्या थे और क्या बन चुके हैं। ये मेरी बात में बड़ा वजन है, गौर कीजिएगा कि हम 80 में कहाँ थे, अब कहाँ हैं, अब कहाँ इस वक्त। वैसे हम पीए रोड पे हैं, वैसे हम बहुत ही बुरे हालात में, हमारा मुल्क बड़े बुरे हालात में। मरियम नवाज, हमारा शाहरुख खान बड़े बुरे हालात में। आई लव यू मरियम नवाज को, तो आई लव यू सर, मेरी बहुत फेवरेट है मरियम नवाज, आई लव यू। अच्छा,
अच्छा, अगर किसी पाकिस्तानी एक्टर के साथ काम करने का मौका मिले फिल्म में, कौन सी एक्टर को आप चुनेंगे? अभी तो भैया न्यू एक्टर जी हैं, एक्टर तो सारी अच्छी है, मेरी लड़ाई ना करवाए। अच्छा, सारी है, फिर भी है तो जिनके अभी अभी जो न्यू एक्टर्स में से हैं तो कुबरा बहुत अच्छी एक्टर्स है। आयजा खान के बारे में क्या ख्याल है? आयजा खान अच्छी एक्टर्स है, लेकिन कुबरा कौन है? कुबरा आयजा बेस्ट। क्या वो पसंद है? क्या बात है, बड़े शर्मिले सर। एक कुबरा जी जानती है डॉन को पकड़ना मुश्किल है। आज डॉन का इंतजार वैसे हमने भी किया, हमें ये बताया गया था बहुत आसान है, आ जाएंगे जी 7 बजे और हम यहाँ पे थे, लेकिन डॉन साहब लेट आए। नहीं मैं फील हुआ कि डॉन साहब का इंतजार वाकई नहीं, हमारे यहाँ पे भाई, हमारे यहाँ पे पुलिस बहुत प्यार करती है। अच्छा। हमारे खासकर यहाँ पे सतोकतला थाने की पुलिस, आई लव दिस, बहुत अच्छी है। और स्पेशली हमारे जो जुल्फकार गुजर साहब है, हमारे चौकी इंचार्ज, वो तो बड़े प्यारे हैं यार, आते हैं, हम उनको गाना भी सुनाते हैं। और वो भी गाना, और कैसी बात है, वो आते हैं, पुलिस वाले लेके जाते हैं, ये बात पुलिस वाले जो हाथ से कुछ लेके जाते हैं, इतनी मोहब्बत और इतना प्यार आर्टिस्टों के साथ कम ही पुलिस वाले करते हैं, सच्ची बात है। और शिराज साहब हमारे एडिशनल SHO साहब बहुत अच्छे हैं, यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है यार, आई लव दिस। कुछ गाना हो जाए पुलिस वालों के लिए? शाहरुख खान से तुझे देखा तो ये जा ना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए। लेकिन वो अभी रमजान है, उसके बावजूद गा दिया, वरना हम यहाँ पे DJ रखा हुआ है। हम यहाँ पे साथ साथ कस्टमर्स आते हैं, शवारमा बर्गर भी खाते हैं और उस पे गाने भी गाते हैं, और हम खुद भी गा रहे होते हैं गाने। मैंने गाना बनाया है, गाना बड़ा मजे का है, कहते हैं क्या श्वार में हमारे आके तू खा ले मेरे प्यारे, बारह मिसाले इस पे लगा के, हल्की आंच पे चिकन पका के, हो गए बड़े ही करारे, बाबा क्या स्वर में हमारे। क्या बात है, ले जी बीवी बच्चों को साथ बिलाओ, अच्छे जायके का लुत्फ उठाओ, शर्मा हमारा सस्ते में खाओ, कम वक्त में पैसे बचाओ, यहाँ पर आओ श्वार में खाओ, बच्चों को खुश करके जाओ, बाबा क्या श्वर में हमारे। ये जी बड़ा मजे का सॉन्ग हमने बनाया भैया, और थैंक यू सो मच आपके चैनल्स का कि जिसने हमें आके यहाँ पे कवरेज दी, जजाकला। और मैं ये कहना चाहूंगा कि पिक्चर अभी बाकी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग चुप करके उंगली ऊपर करते हैं। वैसे पाकिस्तानी को उंगली हर जगह पे चलती है, यहाँ पे भी चलनी चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखना आपके कैरियर में भी उंगली चलती है सर, हर जगह की है, तो इसलिए आप यहाँ पे खड़े हैं। पाकिस्तानियों की उंगली है, हर जगह पे चलती है, तो इसको चलाओ यार। जी मेरे दोस्त, आज उनकी नजर में आ जाए तो सर आपका हक बनता है की एक बार कम अज कम बॉर्डर पे जरूर बुलवाइए, कृपया मुलाकात कीजिए, ताकि दोनों मिलकर आप एक दूसरे को खुश हों। इसी मेजबान सैयद हमजा आबाद को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी दोबारा, आपका ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान के सवाल। Oh, oh, oh.